السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكم الذي فضل فضل فضلا वीन तवल फ़ैन कमिन कबीर आपके सामने सूरे हूद की एक आयत करीमत तलावत की गई है जिसमें अल्लाह इज़्ज़त ने हज़रत हूद आलतम के एक नसीहत का तस्करा किया है कि हज़रत हूदलाम अपनी कौम को नसीहत करते हुए कह रहे हैं कि अनस्त तकफरु कि तुम लोग अपने गुनाहों कि अपने रब से माफ़ी मांगो यानी अपने गुनाह को अपने रब से माफ़ कराओ तुम हो बो ही और फिर अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ यानी फिर माफ़ी मांगने के बाद उसी की तरफ अपनी तवज्जो कर लो उसकी इबादत में उसकी बंदगी में लग जाओ अब इसके बाद वो उसका फ़ायदा बयान कर रहे हैं कि युमत मत हसन इला हजर मुसमा वयोतिक्ल फ़जलन फजला इसका फ़ायदा तुमको ये होगा कि एक तो तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे और दूसरा ये कि वो वक्त मत तक तुमको सामान ज़िंदगी से फ़ायदा पहुँचाएगा यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये नुकता है कि वक्त मत तक यानी जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहोगे मताय हसन बेहतरीन सामान ज़िंदगी से तुमको फ़ायदा पहुँचाते रहेगा वयुतिक्लादी फ और हर नेकोकार को साहब फ़जीरत को वह अपने फ़जल से नवाजेगा मैंने जो कहा कि मतः हसन क़ुरान में कई मकाम पर आपने देखा होगा कि अल्लाह ने मताय गुरूर का इस्तेमाल किया है कहना वमा हाद दिल हयात दुनिया मताूर और ये दुनिया सिर्फ़ धोखे का सामान है कहीं अल्लाह ने कहा वमा दिल हयात दुनिया इल्ला अल्लाइब ये दुनियावी ज़िंदगी बस खेल और तमाशा है यानी खेल है बस फ़र्क इतना है कि छोटा छोटे खिलौने के साथ खेलता है और बड़े बड़ी चीज़ों के साथ खेलते हैं है ना छोटा बच्चा आपने देखा होगा कि वो खिलौने के साथ खेलता है उस खिलौने के बीच में उसकी पूरी दुनिया होती है वो उसी को अपनी पूरी दुनिया समझता है उसी खिलौने को यहाँ तक कि देखा गया है कि बाप की वफात है बाप की लाश पड़ी हुई है और छोटा बच्चा बैठ कर खिलौने के साथ खेल रहा है मस्त है अब ये बच्चा जब बड़ा होता है तो इसके खेलने का सामान अलग हो जाता है फिर ये जब और बड़ा होता है तो इसके खेलने का सामान और बड़ा हो जाता है फिर ये सीमेंट दीवार और बड़ी बड़ी चीज़ों से खेलता है तो अल्लाह ने इसी को कहा कि बस ये खेल तमाशा है खेल तमाशा और कुछ नहीं है छोटा छोटे खिलौने के साथ खेलता है उम्र के हिसाब से हर आदमी खेलता रहता है यहाँ तक कि वो कब्र में चले जाता तो है तो देखिए कहीं अल्लाह ने क्या किया दुनिया को क्या बताया मताय गुरूर लेकिन इस आयत करीमा में अल्लाह ने कहा हजरत हज़रतूद ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा कि मतए हसन बेहतरीन सामान मुफसरिन कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि आदमी अगर आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारता है आखिरत को भूलता नहीं है अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं होता है बंदगी से गाफिल नहीं होता है तो यही दुनिया उसके लिए मतए हसन बेहतरीन सामान है लेकिन अगर आखिरत को भूल कर देंदारी को छोड़कर कर नज़रअंदाज़ करके नमाज को छोड़कर, कर अल्लाह की इबादत को छोड़कर जिक्र अस्कार को छोड़कर, अगर वो दुनिया पाता है तो दुनिया कितना भी पाए ये दुनिया ही उसके लिए मताय गुरूर है यानी फ़र्क कितना है ख़ुलासा ये होता है कि देंदारी के साथ आपको जो दुनिया मिलती है वही बेहतरीन दुनिया है वही अच्छा सामान है बाकी सब मताय गुरूर है इसीलिए आप देखें हदीसी खुशी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे तो मुझे याद रख मेरे ज़िक्र के लिए मेरी याद के लिए मेरे अहकाम को बजा लाने के लिए अपने आप को फारग कर अगर तू तो अपने आप को फारग नहीं करेगा अपने आप को मशगूल रखेगा मेरी तरफ से तेरे लिए सज़ा ये होगी क्या सज़ा होगी कि मैं तुझको जला दूँगा मैं तुझको मौत दे दूंगा मैं तुझको बर्बाद कर दूंगा मैं और बिजी कर दूंगा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा फिर बहुत बड़ा ये क्या है ये इनाम है ये दीन को छोड़कर दुनियादारी की तरफ गया तो अल्लाह ने उसको दुनिया में लगा दिया ये दुनिया इसके लिए मताए गुरूर है तो देखिए ये जो लोग बज दफ़ा कुरान की सहायता को कोट करते हैं ऐसी किस्म के खासतौर पर जो तसव्वुफ़ का अकैदा रखते हैं रहबानियत का अदा रखते हैं दुनिया को छोड़कर जंगलों बैवान की तरफ जाने के कायल होते हैं वो इन आयत करीमा को कोट कर एक तरफा बात करते हैं वन वे बात करते हैं वन साइड बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये मौलाना लोग ये दीनदार तबके के लोग यह हज़रत लोग जो है ये मतलब लोगों को दुनिया से काटते हैं नहीं कुरान देखिए इस्लाम का नज़रिया दुनिया के ताल्लुक से सीधा सीधा यही है कि अगर दीनदारी के साथ आपको दुनिया मिल रही है तो ये मताई हसन है बेहतरीन सामान है और अगर बेदीनी के साथ आप दुनिया पा रहे हो तो आप बड़े से बड़े आदमी हो जाओ आपके लिए धोखे का सामान है यह मेरे भाइयों इस करीमा का मतलब है और हजरत हूद अलीसलातलम ने यही नसीहत अपनी कौम को किया जो हमको और आपको भी अपनाने और समझने की ज़रूरत है अल्लाह में कहने की बहुत फरमाए आमिर वरह वा ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान